हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन उनके पड़ोसी
में उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और चुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करके उसे वहां से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिलवाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के
सिमरन को अपन उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज बियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता और अपमानित करके उसे वहां से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं, कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को
रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जू चुटकी उसके साथ आती है और वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसके अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता, पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी, मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं।
यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव ये महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़
करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी या हिंदी सिनेमा हाँ की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था, जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खैर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है, जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है, क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है, और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है, और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है, जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं, तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा, और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी, तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है, और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है, क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है, जहाँ सिमरन रहती है, और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे
उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और चुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता और अपमानित करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं, कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता, पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी, मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिलवाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं।
एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राजवीर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राजवीर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है लेकिन वह मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करके उसे वहां से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ
आजा परदेशी, मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको, लता मंगेशकर, उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना, लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले, उदित नारायण, तुझे देखा तो, लता मंगेशकर, कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं, आशा भोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह
अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन और उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं, कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता, पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली।
अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खैर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी निवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी।
लचो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव वियर की घटना से राज को पहचान लेता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है, तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं, कुलदीप उसे, जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है, जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो छुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता, पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी, मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको, लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिलवाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है, जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था, जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है, जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है, क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज वियर का एक
कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और चुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसके अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेमी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन उनके पड़ोसी
में उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करके उसे वहां से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के
सिमरन को अपन उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता और अपमानित करके उसे वहां से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं, कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को
रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जू चुटकी उसके साथ आती है और वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता, पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी, मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं।
यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है लेकिन वह मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करके उसे वहां से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव ये महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़
करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी या हिंदी सिनेमा हाँ की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था, जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है, जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है, क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है, और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है, और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है, जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं, तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा, और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी, तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है, और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है, क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है, जहाँ सिमरन रहती है, और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे
उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और चुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता और अपमानित करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं, कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता, पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी, मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिलवाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं।
एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राजवीर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राजवीर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और चुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है लेकिन वह मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता और अपमानित करके उसे वहां से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसके अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ
आजा परदेशी, मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको, लता मंगेशकर, उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना, लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले, उदित नारायण, तुझे देखा तो, लता मंगेशकर, कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं, आशा भोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह
अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन और उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता और अपमानित करके उसे वहां से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं, कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता, पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली।
अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खैर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी निवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी।
लचो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव वियर की घटना से राज को पहचान लेता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है, तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं, कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो छुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता, पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी, मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको, लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिलवाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज वियर का एक
केस कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव ये महसूस करते हुए उसके अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेमी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खेर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है, क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो DTLJ के नाम पर प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्देशन और निर्माता और निर्देशन अदित चोपड़ा ने किया है। शाहरुख खान, काजोल और अमीश पूरी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में भारत का 58 करोड़ रुपया जबकि विदेशी में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। विदेशी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर में पर सबसे ज़्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान भी मार्च 2009 में इसने मुंबई से मराठा मंदिर में 700 सप्तों तक चलने का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले यह कीर्तिमान शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक लगातार सिनेमाघरों में चली। अपने पहले प्रदर्शन में 20 साल बाद 2019 तक यह कभी भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में, काजोल देवगन, सिमरन सिंह, अनुपम खैर, धनवीर मल्होत्रा राज के पिता, अमरीश पुरी सिमरन के पिता। इसकी जो कहानी है, राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अभी अनिवास भारतीय NRI के सिमरन को उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में पाला है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष के से मिलने का सपना देखती है। इसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव ने अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे को मिलने का से एक वादा निभाते चाहते हैं सिमरन उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं जानती मिली हो। एक शाम राज वियर खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज वियर का एक कैश पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्ध बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध को असहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सिमरन बलदेव से शादी से पहले इस दुनिया को देखने की के लिए कहती है और वह अचानक से सहमत हो जाते हैं। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है जिससे उसकी जलन काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों
जूनियर्स के लिए अपनी ट्रेन को याद करते हैं और अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। एक साथ यात्रा करना शुरू कर होता है, दोस्त और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और वह लंदन में अलग हो जाते हैं, तो सिमरन को पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी माँ को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह अपनी यात्रा पर मिली थी। बलदेव बातचीत को सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत आ जाएगा और इस बीच में धर्मवीर उसके सिमरन से उसकी शादी करवा देने का जल्द से जल्द तैयारी करने लगता है। जब वो कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करेगी, तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना घर बेचकर भारत आ गए हैं। भारत में वापस बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत के साथ फिर से मिल जाता है और दुखी सिमरन और उसकी छोटी ही बहन चुटकी सिमरन के मंगेतर कुलजीत को वो उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद करती है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी माँ उसे भूल जाने को कहती है, क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उसके रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उसके घर के बाहर आता है जहाँ सिमरन रहती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वह उसे उसके साथ भागने के लिए भीख मांगती है, लेकिन राज मना कर देता है और कहता है कि बलदेव सहमति से ही उसकी शादी होगी। सिमरन के साथ परिचित का खुलासा के लिए बिना कुलदीप ने राज से दोस्ती करता है और दोनों परिवार द्वारा जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवार के साथ दोस्ती कर लेता है। आखिरकार हर लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वो लड़का है जिससे सिमरन ने यूरोप में प्यार करती थी। लज्जो को भी राज और सिमरन को भागने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचान लेता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप और राज और सिमरन के साथ की तस्वीर पता चलता है, तो वह बहुत उसे थप्पड़ मारता और अपमानित करके उसे वहां से जाने को कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं, कुलदीप उसे जो सिमरन के लिए राज से प्यार करता है जानकर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ उसे मारने हमला कर देता है। आखिरकार बलदेव और अजीत आते हैं और लड़के को रोकते हैं और राज धर्मवीर के साथ प्रसन्नता करके अपनी ही वाली ट्रेन चढ़ जाता है। सिमरन और लज्जो चुटकी उसके साथ आती है। वह ट्रेन में राज से ही जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उसे जाने देने के लिए कहती है कि वह राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव यह महसूस करते हुए उसकी अपनी बेटी को राज के साथ ज़्यादा प्यार नहीं करता, पर उसे जाने देता है और वह दौड़ती हुई ट्रेन में पकड़ लेती है। इसमें जो संगीत है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इसमें जो पहला संगीत है घर आओ आजा परदेशी, मनप्रीत कौर और पमोला चपोड़ा, हो गया है तुझको लता मंगेशकर उदित नारायण, मेहंदी लगा के रखना लता मंगेशकर उदित नारायण ने गाया है, मेरे ख्वाबों में लता मंगेशकर, रुक जाओ दिल वाले उदित नारायण, तुझे देखा तो लता मंगेशकर कुमार शानू, जरा सा झूम लूँ मैं आशा घोसले और अभिजीत भट्टाचार्य। इसमें जो पुरस्कार मिले थे 1996 में फिल्म प्रेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजोल देवगन को और हास्य अभिनेता अनुपम खेर को। और इस तरह के नए पुराने मूवी रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मूवी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।